देखिए, निर्लज्जता की भी एक सीमा होती है, और जब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव चुन लिए जाते हैं तो उनका कंडक्ट और बिहेवियर पूरे समाज के लिए एक आदर्श बनता है, और उससे समाज को शिक्षा भी मिलती है। और कल जब कुछ भी हुआ, निर्लज्जता की सीमा को भी पार कर गए लोग, और इस तरह से जब रिप्रेजेंटेटिव करने लगेंगे तो वो तो शपथ लेते हैं कि हम संविधान की और उसके प्रति शपथ लेते हैं, और उनका आचरण और व्यवहार यदि इसलिए ऐसा हो जाता है, इसलिए कंडक्ट और बिहेवियर का मतलब विधानसभा और सांसदों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। विधानसभा की कार्यवाही को संचालन करने के लिए भी नियमावली बनी है, और किस ढंग का आचरण करना चाहिए, एथिक्स कमेटी है, कई कमेटियां हैं जिसके अनुसार प्रतिनिधियों को आचरण करना पड़ता है। कल जिस ढंग के भाषा का प्रयोग किया गया और जिस ढंग के शब्द का उपयोग हुआ, इसकी अपेक्षा कोई भी नहीं कर सकता। आ इसका कारण भी कुछ है। इसका कारण है कि अभी तक लगता है कि चुनाव प्रचार के दौर से ही ये गुजर रहे हैं, और जो हार हुई है इसको पचा नहीं रहे हैं, और इसीलिए जिस लैंग्वेज का प्रयोग हुआ कल, और ख़ास करके ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो 15 बरस से बिहार को संभाल रहा है और जिम्मेवारी के ढंग से संभाल रहा है, उसके ऊपर जिस ढंग से विरोधी दल का नेता का बयान हो, यह समझ से परे है कि इस ढंग के आचरण से जनमानस पर क्या असर पड़ता है। क्या हुलड़बाजी से हाउस चल सकता है? क्या गंदी भाषा का उपयोग करने से हाउस चल सकता है? क्या इल्डर्स और के प्रति सम्मान की रक्षा नहीं करके हाउस चल सकता है क्या? इसलिए प्रतिनिधि तो जनता की नज़र पर, रडार पर रहते हैं, और ऐसा करके भले ही मन मन प्रसन्न हो जाए, लेकिन जनता के प्रति जो जनता में जो मैसेज जाता है उसकी निंदा होती है, और ऐसी घटनाओं के लिए जितनी निंदा की जाए, मैं मानता हूँ कल की घटना का क्या मतलब था। इन लोगों ने याद दिला दिया कि अराजकता की स्थिति कैसे होती है। अराजकता की स्थिति में कोई व्यवस्था नहीं होती है, इसलिए उस रिजिम को जंगल राज कहा गया, और जिस परिधि से, जिस तरह से ये लोग आए, जो भूमिका रही है पहले में, पास्ट में, और उसकी संज्ञा दी गई थी कि जंगल राज कैसा दृश्य था, वही तो दिखाई पड़ा कल। और मुझको लगता है कि इसका माने पब्लिक डिबेट में भी ये बात आना चाहिए कि हमारे प्रतिनिधि कैसे हों, उनका आचरण कैसा हो, उनका व्यवहार कैसा हो, उनके शब्दों पर किस ढंग का नियंत्रण हो, अमर्यादित शब्द नहीं रहे, मर्यादा का सीमा का कोई उल्लंघन नहीं कर सके, ये तो आवश्यक है। और अफसोस है कि ऐसे लोग ओहदा पर भी चले जाने के बाद ये सीख नहीं ले पाते हैं कि हमको एक रिप्रेजेंटेटिव की भूमिका है, एक जिम्मेवारी के पद पर हैं, और हमको कैसे बोलना चाहिए, क्या हमारा आचरण होना चाहिए, किस ढंग के हाउस के संचालन में अपनी भूमिका अदा करना चाहिए, ये तो अपने आप में बड़ा आश्चर्य लगता है। नीतीश कुमार को सहानुभूति का मुख्यमंत्री बताया गया, जनता का मैंडेट नहीं है, सहानुभूति से बने हुए हैं। देखिए, नीतीश कुमार किसी की सहानुभूति की जरूरत नहीं है, नीतीश कुमार अपने राइट से बने। नीतीश कुमार ने दिखा दिया है शासन पद्धति किस ढंग से चलाई जा सकती है, किस ढंग से एक रोगग्रस्त बीमारू राज्य को देश के मानचित्र पर स्थापित किया जा सकता है। नीतीश जी ने हर एक मामले में, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो या चाहे ग्रोथ का मामला, ग्रोथ रेट का मामला हो, चाहे बजट का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे सड़क का मामला हो, नीतीश कुमार ने बिहार को तो एक नए रूप में संवारा है, सजाया है,
और उसी पथ पर चलते रहेंगे। रिजल्ट ने भी इसको साबित कर दिया है, और कुछ लोग अभी भी जी रहे हैं और जी रहे हैं कि हमको क्यों नहीं सत्ता मिली, और जो सत्ता नहीं मिली उसकी छटपटाहट, उसकी उद्विग्नता और बेचैनी साफ दिखाई पड़ती है। तो जब जनता ने फैसला कर दिया है, और जनता का जब फैसला हो जाता है, तो पक्ष विपक्ष के सभी लोगों के लिए ये आवश्यक हो जाता है जनता का निर्णय सर्वोपरि होती है, उस निर्णय को स्वीकार करें। हुलरबाजी हाउस के में कभी नहीं दिखाना चाहिए, हुलरबाजी तो अराजकता का विषय है। बस मैं कल की घटना से मुझे बहुत ही अफसोस है, और वो निंदनीय आचरण हुआ है, और मैं मानता हूँ कि जो दूसरे लोग भी हों इसे लेसन लेंगे कि हम अब जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए।